हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 12 और आज हमारा दिन बहुत बिजी है क्योंकि पहले मुझे और मम्मी को जाना है बाहर सिलेंडर लेने और दो तीन और भी छोटे छोटे काम है, वो सब करने हैं हम दोनों को। और मम्मी इधर काट ली है मटेरियल, सब्जी बन जाए तो शांति। सुबह सुबह हमें सबसे पहले यही होता है पहले खान लंच बना लें क्योंकि लंच बनाने के बाद एकदम फ्री हो जाता है ना इंसान। अभी भैया और हमीन उठेंगे फिर बोलेंगे कुछ खाने को, लंच बनाओगे तो दे देंगे, लो भाई तुम लोग खा लो। और ये जो नए वाले आलू है ना, इनको जितना मर्जी धो लो इनका पर ये ब्राउन ब्राउन कलर नहीं जाता, मिट्टी का। नए वाले आलू है ना, जो पहले वाले थे ब्राउन कलर के, मुझे वो ज्यादा टेस्टी लगते हैं, तो ये भी टेस्टी। बट मुझे इसमें एक चीज का डर रहता है कि मिट्टी ना रह जाए, सब्जी में मिट्टी आती है ना फिर दिल पूरा खराब हो जाता है। तो पहले हम बनाएंगे लंच वगैरह, घर वगैरह साफ करेंगे, झाड़ू पोछा भी बाकी, उसके बाद जाएंगे सिलेंडर लेने। के बच चुके हैं दो और फटाफट से होकर मैं पूरे सिलेंडर की सामान रख रही हूँ। पहले मैं बुक रख लूंगी सिलेंडर की। मम्मी तेरा पिंक वाला पर्स कहाँ है, फिर सब पैक कर लो ना। तो एम वक्त पे एक बार क्या हुआ, मैं मम्मी सिलेंडर लेने चले भी गए, वहां पर जाके वो बोले बुक लेकर आओ। बुक हम भूल गए घर पर ही, तो इसके लिए मैं कभी जल्दबाजी में नहीं पहले ही सब कुछ करके रख रही, तभी मुझे सिलेंडर भी बाहर निकाल के रखना है। और रिक्शे वाले भैया को फोन लगा दिया है, वो 10-15 मिनट में आ रहे हैं। और भैया उठ चुके हैं इन बच्चों का ध्यान देने के लिए। भले 20 रुपए के हो पर क्यों फेंकते, हम 20 रुपए के प्लास्टिक की नहीं फेंकते। वो रहे आपको सफेद शर्ट में भैया देखते होंगे, वो रिक्शे वाले भैया, मतलब मम्मी ने अपने बेटे ही बनाया और भैया बहुत अच्छे हैं। जब बेटियों को खींच पड़ी थी तभी भी वही भैया गए थे, आज ऐसे काम बहुत आ जाते हैं भैया। एक बार फोन करो लड़का आ जाता है भैया के राह देखते लगे, तो हमारा सिलेंडर आए ना कभी भैया, मुझे कभी निकले ही नहीं। भैया नहाएंगे धोएंगे फिर बोलेंगे फिर चलो हो जाएंगे शाम के 8, इससे अच्छा रिक्शा में जाते हो अपना काम निपटा के आओ जल्दी से जल्दी। और बाहर सच में इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मैंने सच में बोलना तो बोले ना सर्दियों का टाइम है, गर्मी फुल गर्मी। अच्छा मैं स्वेटर वगैरह नहीं डाला, एकदम हल्की सी शर्ट डाली, वैसे मैं नहाऊंगी तो घर पर जाके नहा ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बोला पहले बाहर का काम निपटा है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सिलेंडर लेने, भैया पीछे सिलेंडर ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि भरा हुआ सिलेंडर के बीच में रखेंगे ना रिक्शा की तो निकलना पड़ेगा। मैंने बोला पहले मैं निकल के बाहर की हवा खाती हूँ। और सच में यहाँ पर छाँव है ना, यहाँ पर मौसम बहुत बढ़िया है और यहाँ पर दूर तक सिलेंडर ही सिलेंडर दिखाई देंगे आपको। वो रहे वो जा रहे हैं, पता नहीं खाली होकर या आ रहे, नहीं आ रहे हैं ये भरे हुए सिलेंडर। अभी अभी मैंने और मम्मी ने ये बूंदी का पैकेट जो हम दही में डालकर खाते हैं क्योंकि बूंदी खत्म हो गई थी और बिना बूंदी वाला दही मम्मी खाती नहीं है, मम्मी को पसंद नहीं है, इसलिए मम्मी के लिए मैंने दो पैकेट ले ली बूंदी। बाहर तो आए थे और रस्ते में हमारे समोसे वाली दुकान पर थी, तो मैंने और मम्मी ने इतने क्लीन कर लिया है। हलीन के लिए हमने ले लिया, वो अभी सो रही होगी ना, फिर उठ जाएगी ठंडा जगह से तो मतलब नहीं बनेगा। जब वो ब्लॉग एडिट करेंगे उसको तो हमें पता लगेगा कि हम लोगों ने मार्केट से समोसे भी खाए और उसके लिए भी ये करा। वैसे गरम गरम समोसे रिक्शा में बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है ना। मम्मी मम्मी तरफ ना खा रही है, अपना खा रही, सब ने एक एक लिया, ज्यादा नहीं लिया। तो बस मैं अभी अभी आई हूँ घर पे, मुझे पिज्जा को लेकर जाना था बाहर फ्रेश होने के लिए, लेकिन बाहर किसी की शादी हो रही है तो पूरा रोड पूरी पब्लिक से भरा हुआ है, मैं सुनाई नहीं दे रहा है मेरी बारात। बारात वाले कैसे सेम टू सेम कपड़े बाहर डालकर आए हैं अपनी जोड़ी। फ्रेंड्स मैं नहा चुकी हूँ, दिया बत्ती घर में हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 6:45 मतलब 6:45। बच्चों का भी नाश्ता देगी दीदी, पर पहले हम लोग पेट पूजा कर ले। हम लोगों का पता है थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है, थोड़ा हम लोग सुबह ये लोग खाते ही नहीं है नाश्ता, फिर हमारे साथ खाते हैं ये, तो अभी हम लोग खाएंगे आज, कल से नहीं खाएंगे, कल से हम टाइम से खा लेंगे, आपको ब्लॉग में भी बताएंगे। ये टाइम सही नहीं है, फिर आपको भी टाइम से भूख नहीं लगती है, मेरे को तो थोड़ा लेट हो ही जाता है, चलो 4 बज जाते हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है। बट दीदी टाइम से सोएगी तभी वो उठेगी तभी इनको खाना देगी, क्योंकि कुत्तों को खाना देना बहुत जरूरी है। और फिलहाल शायद आज मैं और मम्मी जाएंगे भैया के साथ मेरी ड्रेस देने, तो भैया आएंगे कब प्लान बनेगा, अभी फिलहाल भैया बाहर गए हैं। और ये बच्चा कैसे मम्मी को बोल रहा मम्मी ऊपर ले ले, और ये लड़की ये रही, इसने बनाई है शिमला मिर्ची विथ पनीर, ये तो दाल है मुझे पता है, ये है शिमला मिर्च, रियल माल इधर है, ये तो दाल है। दाल नहीं पसंद तुझे, दाल भी पसंद है बट पनीर के आगे सब दालें फीकी हैं। पीली वाली दाल देखने के बाद ही एकदम इतनी जबरदस्त से भूख लगती है ना, मतलब सब जिसने सुबह से ना खाया ना वो किसी के साथ भी खा लेगा। मैंने खाया क्या खाया, फिर क्यों बैठ रही है हमारे साथ ऑफिस, खाकर गए थे हम लोग, मैंने बोला चल तेरे साथ कंपनी कर लूं। ये है रियल चीज, पनीर के सामने किसी चीज का कंपेयर नहीं है,
पनीर और साग, इन सब इन दो चीजों का किसी और के साथ कंपेयर है ही नहीं। हर चीज अपनी अपनी जगह अच्छी है, सब्जी हो, दाल हो और क्या होता है चाइनीज हो, बट पनीर और साग अलग ही लेवल है इसका। आप मानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मम्मी जा रहे हैं बाहर, जैसे कि मैंने बोला था बेटे ड्रेस तो दे दे जिसके लिए मैं जा रही हूँ। ये रे देखो मैं ड्रेस भूल के जाने वाली थी, भूल तो मैं आपको जितनी चीज होगी उतनी दिखाऊंगी। ये डिस्टर्ब कर रही है, इग्नोर मत, ये मेरी ड्रेस। अरे मम्मी की, मम्मी हमेशा मेरी चप्पल पहन जाती है, मुझे ये चप्पल बिल्कुल नहीं पसंद है, सूट भी नहीं कर रही है पैरों में। नीचे जाकर चेंज करवा लूंगी, मैं रुकती हूँ आपको रस्ते में, देखूंगी दिखाने लायक बहुत जरूर दिखाऊंगी, बने रहूंगा आपको। मैं मम्मी गए भी थे पर मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कुछ खास किए ही नहीं हम लोग, तो जो दो तीन काम थे वो हो गए और मेरी ड्रेस फाइनली दे दी है। और आज मैंने वो लिपस्टिक लगाई है जो कि ये मार्केट से लेके आई थी, कैसी लग रही है बता ना। अच्छी नहीं लग रही दरअसल, तेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, मेरे ऊपर वहम है, वहम निकाल दे, मैं अपने वहम का ना गुब्बारा फोड़ दे। और मुझे पता नाखून काटने हैं बट नाखून अभी मैं 12 बज के बाद काटूंगी, तो ये आज नहीं काट, हम लोग ही नहीं काटते। थर्सडे को, थर्सडे हो, सैटरडे हो, देखो कैसे है, देखो ट्यूजडे हो, मैं तो तभी काट लेती हूँ। और अभी मैंने कोई नेल पेंट भी नहीं लगाया, अभी किसी फेस्टिवल पे लगाऊंगी, जैसे कि आ रही है दिवाली, दिवाली नहीं उत्तरायण, तब मैं लगाऊंगी पूरा। दरअसल दिवाली के इतना हम लोग करते हैं ना, हर बार नहीं पर दिवाली याद आती है, ये दिवाली में बहुत अच्छे थे, मजा आ गया। तो मैंने उठकर फटाक से पहले चाय बनाई क्योंकि चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही थी। ये लड़की ने भी अभी भी चाय पी, नमकीन चुरा के इसने मेरे कटोरी में से खाया है, खुद इसने अपने बिस्किटों में से एक बिस्किट का पीस नहीं दिया मुझे क्योंकि इसने मेरे बिस्किटों में से एक पीस लिया। मैंने बोल मेरे बिस्किट थे क्रैक जैक, इसके थे पार्ले जी, मुझे पार्ले जी ज्यादा पसंद है बट पार्ले जी और पड़े ही नहीं थे। और फिर करते हैं डिनर की तैयारी, और अभी अभी नींद करने के बाद इतना फ्रेश लग रहा है ना, एक घंटा नहीं 20-25 मिनट सोई होंगी मैं, 2 घंटे मैं सिर्फ 1 घंटा सो के उठ गई, फिर मुझे इनके खाने की भी टेंशन थी, फिर बच्चों को भी देना, मेरा बच्चा देखो कैसे देख रहा है, और इस तरफ देख रहे भी हम थोड़ा सा टीवी और साथ कर रहे हैं चाय पार्टी। रात को देखती हूँ डिनर में क्या बना रही हूँ, वैसे मैं चावल का सोच रही, चावल बना देती हूँ उससे हो जाएगा। तो जैसे कि अभी सर्दियां आ चुकी हैं तो इसलिए इतनी बॉटल्स की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरे पास बॉटल कम से कम 10-15 पड़ी है, मैं उनमें से सिर्फ 6 ही बॉटल बाहर रख रही हूँ, बाकी मैं रख रही हूँ अंदर इस डिब्बे में, और ये ऐसे डिब्बे ना मैं संभाल के रख लेती हूँ, जैसे कि अभी सर्दियां हैं इसमें बॉटल्स रख दूंगी, फिर ऊपर रख दूंगी स्लैब में, और जब फिर से गर्मी आएगी तो फिर से बॉटल्स निकाल लूंगी। नहीं तो पता है मेरे पूरे फ्रिज में बॉटल्स ही बॉटल्स है, तो कृष्ण जी की मूर्ति ढक जाती है। और सबसे बड़ी बात तो अभी इतने पानी की यूज ही कहां होता है क्योंकि अभी सर्दियां हैं, इतना पानी कोई नहीं पी पाता सर्दियों में, तो इसके लिए उतनी बॉटल नहीं रखो जितनी सर्दियों में जरूरत है। तो अभी अभी मैंने नेल्स काटे हैं, जैसे कि अभी टाइम हो चुका है 12:30-12 बजे के बाद मुझे नेल्स काटने थे क्योंकि फ्राइडे हो जाता, और इस तरफ मैं बना रही हूँ डिनर। आखिर मैंने डिनर डिसाइड कर लिया, बन रहे मटर वाले चावल, और आज आपको मटर चावल में बहुत ज्यादा लगे होंगे, तो कम से कम मैंने 1 किलो मटर डाल दिए चावल में। तो सब ने खाना वगैरह खा लिया है और आज के भी चावल बहुत ज्यादा टेस्टी थे। चलो अच्छा फिर से चावल अच्छे बनाने लग गई है, सब कुत्ते बिले सब कुछ सो चुके हैं, मम्मी भी सो चुकी है, और ये लड़की भी जा रही है सोने, दूध वगैरह पी लिया है इसने। तो मिलेंगे आपसे कल, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, बाय।